हेलो स्टूडेंट्स, एचपी स्टडीज के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज में माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइड सर्विसेज। एचपी अलाइड सर्विसेज एक्सपेक्टेड है इस वर्ष, डेफिनेटली एचपी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम होंगे ही होंगे, तो उस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी है। डिफरेंट सेक्शंस हैं इस एग्जाम के, किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो इस सीरीज के माध्यम से हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम एचपी जीके की क्या सिग्निफिकेंस है बहुत ही बारीकी से समझेंगे, कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच आपको इस एग्जाम को क्रैक करते वक्त एचपी स्टडीज के पोर्शन को पढ़ते वक्त रखनी है, और भी बहुत कुछ है स्टूडेंट्स जो कि इस सेशन के माध्यम से आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा ये सेशन। थोड़ा सा हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी। अभी रिसेंटली ही हमने अपना एचपी टीजीटी ऑनलाइन कोर्स लागू किया है। आप में से जो भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी घर बैठ के करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आप 10 अप्रैल से पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं तो मात्र 2500 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 10 अप्रैल तक 50% ऑफ इस कोर्स पे चल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि एचपी जीके का सिलेबस क्या है। जब आप अलाइड सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं किन किन सेक्शन किन किन एरियाज को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना है। एज यू नो दैट कि भाई आपका 100 नंबर की परीक्षा जरूर है लेकिन 200 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। 200 questions आर सपोज टू आस्क इन दिस एग्जाम, जिसमें से लाइन शेयर है आपके करंट अफेयर्स और एचपी जीके का। तकरीबन 60 क्वेश्चन जो हैं आपके हिमाचल जीके से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर आप पिछले 3-4 वर्षों की परीक्षाओं के पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 60 ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जैसा करंट अफेयर के केस में ऐसा होता है कि नहीं, 60 क्वेश्चन कहा जरूर है पर अराउंड 35-40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट वेन इट कम्स टू द हिमाचल जीके आपके 60 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप समझेंगे कि कौन कौन से आपके सिलेबस में ये पार्ट्स हैं। एचपी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जर्नल स्टडीज। जब भी आप हिमाचल प्रदेश जर्नल स्टडीज सेक्शन को पढ़ते हैं आप इस सेक्शन को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का एक इतिहास है, बहुत सी रियासतें इससे जुड़ी हुई हैं, उन रियासतों से संबंधित बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत से राजाओं की कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इवेंट्स हिस्टोरिकल हुई हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की हो, मेडाइवल हिस्ट्री को हो, एंशंट हिस्ट्री की हो। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के एंशंट मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। सभी घटनाएं स्टूडेंट इवेंट पर्सनालिटीज टाइम प्लेसेस हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। हिमाचल का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ट्राइबल लाइफ से जुड़ा हुआ है, और बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट आर्ट एंड कल्चर भी इससे संबंधित है। तो बहुत से प्रश्न कला संस्कृति से भी हैं, पहनावे से संबंधित, भाषा से संबंधित, मोड ऑफ अम्यूजमेंट से संबंधित, ठीक है जी, गीतों से संबंधित, डांसेस सब से संबंधित, फेयर्स फेस्टिवल से संबंधित, टेम्पल से संबंधित है ना, बहुत सी विविधता हमें देखने को मिलती है। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपके बहुत से प्रश्न जो है इस सेक्शन से आएंगे, कितने आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। टॉक अबाउट एचपी ज्योग्राफी। पिछले कुछ वर्षों में एचपी ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है अलाइड सर्विसेज में, और बहुत से प्रश्न एचपी ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, बिकॉज हिली एरिया है और विभिन्न प्रकार के माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, ठीक है ना, बहुत कुछ यहां पे देखने को मिलता है ज्योग्राफिकली भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। हर जिले की भूगोलिक जो स्थिति है वो बदल जाती है, और जिला वार भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको विविधता नजर आएगी। तो बहुत से प्रश्न जो हैं एचपी ज्योग्राफी से भी पूछे गए हैं। एचपी इकोनॉमिक्स की बात करें तो मुख्य रूप से इकोनॉमिक सर्वे जो आपका है स्टूडेंट वहीं से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इक्का दुक्का जो है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो है आपके, ठीक है जी, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्शन हो गया, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एचपी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एचपी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
स्पेशली जो आपका 1948 ऑनवर्ड्स हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए हैं राज्य के गठन में, उससे संबंधित बहुत से प्रश्न होंगे जिनको इलाबोरेटली हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉक अबाउट द मिसेलेनियस टॉपिक्स, जिसमें बहुत से टॉपिक्स इंक्लूड हैं लाइक स्पोर्ट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, टूरिज्म आ जाता है, क्लियर है जी, हॉर्टिकल्चर है, बहुत से और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनालिटीज हैं जो कि आपके मिसेलेनियस टॉपिक की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं, और यहां से भी ऑलमोस्ट आपके 10 से 15 सवाल पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा पार्ट है। तो इन कुछ पार्ट्स में हम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एचपी जीके सिलेबस को बांध सकते हैं। नाउ थोड़ा सा हम एयरवाइज देख लें कि अभी प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है। तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ष जो है 60 ही प्रश्न पूछे गए हैं, इक्का दुक्का भी हेरफेर नहीं हुई है। 2020 में भी हिमाचल जीके से 60 प्रश्न पूछे गए, 19 में भी और 18 में भी, ठीक है जी। सो कोई भी हेरफेर इसमें नहीं देखने को मिला, और 60 नंबर अगर किसी एक पार्ट से पूछे जा रहे हैं तो उसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि भी अगर आप अलाइड सर्विसेज में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, यू कैन नॉट इवन टेक अ स्मॉल पार्ट लाइटली ऑफ एचपी जीके, ठीक है जी। हर सेक्शन एचपी जीके का है, आपको महारत उस पर हासिल करनी ही पड़ेगी। चले अब जरा हम बात करेंगे अबाउट कि कितने अभी तक जो है सब्जेक्ट बाई एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली है, इन तीनों सालों के कंटेक्स्ट में ही ये डाटा है, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, हर बार ही 15 सवाल एचपी हिस्ट्री से पूछे गए हैं, कम ज्यादा जरूर रहे हैं, बट एक मार्जिन आप लेके चल सकते हो कि भाई 15 से 18 सवाल जो है ये एचपी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे, 15 से 18 सवाल एक्सपेक्टेड हैं। एचपी ज्योग्राफी की बात करें, 10 से 12 सवाल जो हैं ये एचपी ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है जी, अलाइड सर्विसेज में। इकोनॉमिक सर्वे से ही संबंधित मुख्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं, सो 8 से 10 सवाल जो हैं ये आपके एचपी इकोनॉमी से भी पूछे जा सकते हैं। इसमें से 6 से 7 सवाल तो डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक सर्वे से हो सकते हैं, और कुछ जो आपका रेस्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का, वहां से भी कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। नाउ टॉक अबाउट द एचपी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। जैसा मैंने कहा, जो 1948 ऑनवर्ड्स हिस्ट्री है, वहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट जो है 8 से 10 सवाल जो है यहां से भी एक्सपेक्टेड है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मिसेलेनियस पार्ट, जिनकी मैंने अभी बात करी, तो तकरीबन 12 से 15 सवाल यहां भी एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का रेशियो है सभी पार्ट्स का आपके अलाइड सर्विसेज में हिमाचल जी के पार्ट का। तो चलिए स्टूडेंट, अच्छे से आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जरा एनालिसिस करेंगे हर सब्जेक्ट का कि भाई कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, तो हिस्ट्री में स्टूडेंट इवेंट्स बेस्ड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे धामी गोलीकांड कब हुआ था, है ना, धामी गोलीकांड के बारे में बताइए, पझोता मूवमेंट क्या है, बेगार सिस्टम क्या है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं इवेंट बेस्ड। डेट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं सवाल कि कोई घटना कब घटित हुई है, या फिर किंग्स, बहुत सी जो लाइनेज है किंग्स की उनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि इस प्रिंसली स्टेट की, इस रियासत की स्थापना किसने की थी, या इनके सुपुत्र कौन थे, ठीक है जी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इन किंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूछ लिया जाता है कई बार, कि कांगड़ा पेंटिंग्स में इनमें से किस शासक की सबसे अधिक सहभागिता है, ठीक है जी, या जो आपका युद्ध हुए हैं इनमें से कौन से राजा के बीच लड़ा गया है, तो बैटल संबंधी प्रश्न भी किंग से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर जी। तो ये तो बात कर ली किंग्स, इवेंट्स, डेट बेस्ड, प्लेसेस, बहुत सी इंपॉर्टेंट घटनाएं इतिहास में हुई हैं डिफरेंट रीजन्स में, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। डिफरेंट पर्सनालिटी बेस्ड बन जाएंगे सवाल, है ना, मॉडर्न जो हिस्ट्री है आपकी, जैसे भागमल सोठा है, वाईएस परमार जी हैं, इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भाई किस मूवमेंट से, इनमें से किस आपके आंदोलनकारी का जो था संबंध था, या इनका इनमें से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में हिस्ट्री संबंधित, ठीक है जी। या फिर हम बात कर सकते हैं कुछ राइटिंग्स, बुक्स के नाम पूछ लिए जाएंगे, ऑथर्स के नाम पूछ लिए जाएंगे जो लिखे गई हैं उस समय में, गुरखा हिस्ट्री,
ब्रिटिश इतिहास, सिख हिस्ट्री से संबंधित बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है जी। तो अब जरा आर्ट एंड कल्चर की तरफ भी नजर दौड़ाएं, तो आर्ट एंड कल्चर की जब भी बात होंगी तो बहुत से सवाल आपके बनते हैं, जैसे फेयर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए आपके, ठीक है जी, ड्रेसेस हो गई हैं, ड्रेसेस से संबंधित बहुत से जो हैं सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ड्रेस है इनमें से किस स्थान पे इसको क्या कहा जाता है, लाहौल स्पीति के नॉर्म में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत से बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करें सो टेम्पल आर्किटेक्ट से संबंधित बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। पेगोडा, इनमें से कौन सा मंदिर पेगोडा शैली में बना है, प्लेन रूफ शैली में बनाया गया है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, कह रहे जी। ऐसे ही बहुत से प्रश्न रॉक कट टेम्पल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गए हैं बहुत बार एग्जाम में, क्लियर है। तो या रिलीजन इसमें आ जाता है, रिलीजन है ना, बुद्धिज्म से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा सेक्ट है आपके लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, या अगर हम बात करें भाई एंशंट टेक्स्ट जो है उससे संबंधित, लैंग्वेजेज से संबंधित कि तिनान भाषा जो है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऐसे बहुत से सवाल जो हैं कला और इतिहास और कला संस्कृति सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिनको आपको अच्छे से जब तक आप नहीं पढ़ोगे मास्टरी नहीं कर सकते। और ये सेक्शन ऐसा है स्टूडेंट, बिकॉज ट्राइबल एरिया बहुत है, विविधता हिमाचल प्रदेश में बहुत है, बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड एंड विच इज एक्चुअली नॉट दैट ईजी, उतना सरल भी नहीं है इन सभी फैक्ट्स को याद रखना। तो रिविजन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होगी, इन सभी फैक्ट्स को लगातार आपको रिवाइज करते रहना है, अदरवाइज आपको कुछ समय के पश्चात ये सभी चीजें भूल जाएंगी। टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी ना सिर्फ देखिए, ज्योग्राफी विविधता के कारण ही तो आपकी अलग विविधताएं हमें देखने को मिल रही हैं। सो माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, रिवर्स के साथ जो उनकी ट्राइब्यूटरीज हैं, अब तो खड्ड जो होती हैं, लोकल खड्ड होती हैं, ठीक है ना, उनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स बने हैं हिमाचल में बहुत से, ठीक है जी। झरने हैं बहुत से, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। लेक से संबंधित पूछ लिया जाता है, लेक से संबंधित कोई मंदिर है कि जहां परशुराम जी का मंदिर किस लेक के किनारे पे बना हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है जी। तो काफी ज्यादा विविधता ज्योग्राफी सेक्शन में भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि जी मणिमहेश यात्रा आप कर रहे हो तो कौन सी नदी यात्रा के समय आपके बगल में आपको देखने को मिलती है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं नायब तहसीलदार एग्जाम में और बहुत से अदर एग्जाम्स में, ठीक है नी। या किस नदी के मुहाने पर द्रौपदी का क्रिमेशन हुआ था, तो बेसिक पता होने चाहिए। इसके अलावा बहुत से माउंटेन पासेस हैं हिमाचल में, दर्रे हैं बहुत से, उनके बारे में जोत हैं बहुत सी, माउंटेन पीक्स हैं, उनके विषय में प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलराइट। या ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स से भी बहुत से सवाल बन जाते हैं। सो ज्योग्राफी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। टॉक अबाउट अदर सेक्शन जिसमें इकोनॉमिक्स सेक्शन आता है, जैसे मैंने कहा दो पार्ट्स हैं इसमें, एक है आपका डायनेमिक पार्ट, एक है स्टैटिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में इकोनॉमिक सर्वे से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलरेडी हमारे बहुत से वीडियो जो हैं आपके इकोनॉमिक्स के टीचर मनीष सर जी ने बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे आप उनको देख सकते हैं, दैट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। दूसरा है आपका स्टैटिक पार्ट, तो इसमें जो है आपका बहुत से इकोनॉमी से जुड़े हुए फैक्ट हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है ना, एप्पल ग्रोथ रेट, पोटैटो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जिंजर कहाँ होता है, क्या प्रोडक्शन है, ऐसे सवाल ये स्टैटिक पार्ट में पूछ लिए जाएंगे। तो इकोनॉमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा 1948 ऑनवर्ड्स जो भी हिस्ट्री है, क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन आए, हिमाचल प्रदेश का गठन से संबंधित है, ठीक है जी, राज्य बना, कब कौन सा राज्य, कौन सा जो है आपका जिला मिलाया गया है, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत से सवाल जो हैं प्रशासनिक संबंधित बनाए जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर कब हुई हैं, इनमें से हिम्मत सिंह जी किससे संबंधित हैं, किस पोस्ट से संबंधित हैं, ठीक है जी, ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। दूसरा मैं पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, तो पॉलिटी से भी दो सेक्शन में सवाल पूछे जाएंगे, डायनेमिक पार्ट
एंड स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक में पूछ लिया जाएगा कि हाँ जी पहले आपके विधानसभा के स्पीकर कौन थे, है ना, ऐसा सवाल पूछ लिया। आपके इनमें से कौन से मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं, ऐसे सवाल जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। इनमें से किस मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना शुरुआत करी गई थी, तो ये स्टैटिक पार्ट है। डायनेमिक की बात करूंगा तो करंट, जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं तो भाई कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं, ठीक है जी। विमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है अभी हमारी विधानसभा में, कितनी विमेन मंत्री बनी है, कितने एमएलएज इलेक्ट हुई थी विमेन, ठीक है जी। या फिर बात कर सकते हैं कि भाई कैबिनेट मंत्री जो है हमारे अभी विधानसभा के, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, या कोई योजना कोई स्कीम इंट्रोड्यूस अभी रिसेंटली की गई है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, आई होप अच्छे से थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा हिमाचल जीके के कंटेक्स्ट में। अब लास्ट में हम बात करेंगे भाई एचपी मिसेलिनियस पार्ट। मिसेलिनियस शब्द जो है अपने आप में बहुत से पार्ट्स को कवर कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से स्पोर्ट्स डिफेंस की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है इसमें, टूरिज्म आ जाता है, क्लियर जी, और भी बहुत से पहलू हैं स्टूडेंट्स, पर्सनालिटीज बहुत सी आ जाती हैं जो डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, जैसे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई पर्सनालिटी है, किसी की कोई किताब बड़ी फेमस हुई है, ठीक है जी, या कोई पर्सनालिटी जो है उसका ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सी पर्सनालिटी जो करंट में चल रही हैं, है ना, कि भाई कितने मेडल कॉमनवेल्थ में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने लेके आए, या एडवेंचर स्पोर्ट्स की कोई इवेंट हुई है, जैसा अभी पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स हो रहा है, तो भाई हिमाचल के कितने पार्टिसिपेंट हैं इसमें, देश विदेश से पार्टिसिपेंट आए, कितने हिमाचलियों ने मेडल जीते, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या कोई पुराना स्टैटिक पार्ट से भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहली हिमाचल की कौन सी महिला खिलाड़ी है जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, या जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऐसे संबंध। डिफेंस पार्ट से भी बहुत से संबंध है, कोई अभी लेटेस्ट कोई प्रश्न भी बन सकता है, और पुराने जो फैक्ट्स हैं स्टूडेंट उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपके हिस्टोरिकल जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं, कालका रेलवे जो ट्रैक है उससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अभी फोर लेन का काम चल रहा है तो करंट में वहां से कोई सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी। टूरिज्म की बात करें, बहुत से टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं और बहुत सी टूरिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, करंट बेस्ड यहां से बहुत सी न्यूज़ बन जाती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच वी आर प्राइमरली डिस्कस इन द एचपी मिसेलिनियस पार्ट। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि 60 नंबर हैं, और अगर आप अलाइड सर्विसेज में अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, सो यू कैन नेवर एवर बी टेक दिस पार्ट लाइटली। एक करंट अफेयर्स का पार्ट, एक एचपी का जो जनरल स्टडीज पार्ट है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस जो है वो श्योर हो जाती है 100%। क्लियर है जी। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस पूरे पार्ट को समझ पाए होंगे। आप कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम, कैसे सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ये प्रश्न है, जैसे हु ट्रांसफर द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा है, ये ब्रह्मपुरा टू द न्यू कैपिटल फाउंडेड एट चंबा, ये चार नाम दिए हैं, पर्सनालिटी से संबंधित और प्लेस से संबंधित ये प्रश्न है, जैसा अभी हमने एनालिसिस में डिस्कस किया है, ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड मेंशन फॉलोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश, है ना, यमुना ब्यास रावी सतलुज इनमें से कौन सी नदी, तो यमुना आंसर आ रहा है, तो ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीड ऑफ द पोल्ट्री इंट्रोड्यूस इन द स्टेट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पोल्ट्री, तो ये मिसेलिनियस जो सेक्शन है आपका, है ना, उसमें ये आ गया है अलाइड सेक्टर में, ये क्वेश्चन अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं अलग से। तो हर जो अभी मैंने सेक्शन डिस्कस किया उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे गए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड द ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति, कितना सुंदर प्रश्न है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, पट्टन वैली, है ना। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इस बार में भी वी डेफिनेटली फाउंड सम चेंजेस इन द सिलेबस, वी आर एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और हम जो अपने हमारे सेशंस फर्दर रहेंगे अलाइड
अलाइड एग्जाम से संबंधित, उसमें हम डेफिनेटली ये चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिले, ठीक है जी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा उस अप्रोच के साथ भी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये कुछ डाइवर्स पार्ट्स हैं एचपी जनरल स्टडीज़ के जो कि अलाइड एग्जाम में बेसिकली जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये एनालिसिस के माध्यम से एचपी सेक्शन की जो गहराई है अलाइड सर्विसेज में वो समझ आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।